हाय, वेलकम बैक टू इंडियन मॉम्स नेस्ट। मैं हूँ सारिका और आज हम बात करेंगे कि बच्चों में होने वाली खून की कमी, उसके कारण, उसके कुछ सिम्टम्स और कुछ ऐसे फूड आइटम्स जिनको अगर हम बच्चों की डेली रूटीन में या डेली डाइट में इंक्लूड करते हैं तो उनको इस कमी से दूर रखा जा सकता है, या अगर कमी हो गई है तो उसको बहुत जल्दी से रिकवर किया जा सकता है। और सबसे पहले तो मैं ये बताऊँगी कि ये जो खून की कमी है ये बेबीज़ में, टॉडलर्स में, टीनेजर्स में, प्री स्कूलर्स में बहुत ही कॉमन है ड्यू टू देयर रैपिड ग्रोथ। ये बच्चे जो इतनी फास्ट ग्रोथ करते हैं तो उस वजह से ये वो हमेशा इस रिस्क पे रहते हैं। और सबसे पहले तो हम समझेंगे कि खून की कमी होती क्यों है। खून की कमी का जो मतलब मेन रीज़न है वो है आयरन डिफिशियंसी, कि अगर हमारी बॉडी में जो आयरन है वो कम हो जाता है तो उसे उसकी वजह से जो है खून की कमी हो जाती है। 80-90% केसेस में यही होता है कि खून की कमी आयरन डिफिशियंसी की वजह से ही होती है। आयरन जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। अगर आयरन की जो कमी हो जाती है तो उससे क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन काउंट होता है वो कम हो जाता है, तो उसकी वजह से जो ऑक्सीजन का जो फ्लो है वो डिस्टर्ब होता है, या जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है फ्रॉम लंग्स टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडीज वो थोड़ा डिस्टर्ब होता है, वो ठीक से नहीं हो पाता, इसकी वजह से खून की कमी हो जाती है। तो अब बात करते हैं इसके कुछ रीजंस कि बच्चों में जो खून की कमी है वो क्यों हो जाती है। इसमें सबसे पहले तो आता है कि जो प्री मैच्योर बच्चे होते हैं, मतलब जो 36 वीक से पहले हो गए हैं, उनमें खून की कमी जो है बहुत ही कॉमन होती है, या जो कुछ बच्चे जो है जिनका जो वेट है बर्थ टाइम पे वो कम होता है उनमें भी जनरली ये देखा गया है कि खून की कमी रहती है। और सेकंड, कुछ बच्चे जो है मतलब कुछ जैसे डाइट में उनके जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है, या हम कोशिश करते हैं बच्चों को एक वेल बैलेंस डाइट देने की, बट कुछ होते हैं कि बच्चे चूजी होते हैं खाने में, कुछ होते हैं पिकी ईटर्स होते हैं, तो वो जो भी हम उनको देंगे वो नहीं खाते हैं। कुछ बच्चे उधर नखरे दिखाते हैं, उनका कुछ भी मतलब बाहर से इधर उधर कुछ भी खा के पेट भर लेंगे, उनको घर का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो इस वजह से बच्चों में जो है आयरन की कमी हो जाती है, क्योंकि जितना उनको डाइट के थ्रू मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। और इसमें थर्ड है कि जैसे 6 मंथ तक तो बच्चों को सिर्फ ब्रेस्ट फीड दिया जाता है, उससे जो उनकी आयरन की जो नीड है वो फुलफिल हो जाती है, पूरी हो जाती है। लेकिन 6 मंथ के बाद कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं, जो कुछ लेट सॉलिड स्टार्ट करते हैं, उससे क्या होता है कि 6 मंथ तक तो बच्चों को हम जो ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू आयरन उनको मिल रहा है वो उनके लिए सफिशियंट है, बट 6 मंथ्स के बाद बच्चों की ग्रोथ की वजह से उनमें आयरन नीड जो है बढ़ जाती है, जो ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू पूरी नहीं हो पाती है। इसलिए जैसे ही आपका बेबी 6 मंथ का हो जाए उनका जो है सॉलिड स्टार्ट कर देना चाहिए, या आप कुछ भी जो सैलेड भी बच्चों को अगर दे रहे हैं 6 मंथ के बाद वो आपको चेक करके देना है, आयरन फोर्टिफाइड होना चाहिए, ये टर्म आपको चेक करनी है, वो भी बच्चों को देना है। या अगर आप बच्चों को फॉर्मुला मिल्क दे रहे हैं वो भी आयरन फोर्टिफाइड आता है फॉर्मुला मिल्क, आपको वो ही बच्चों को देना है। और नेक्स्ट, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनको 1 साल से पहले जो है एनिमल मिल्क इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, कि जो गाय का दूध है उसमें आयरन इतना नहीं होता है जितना ब्रेस्ट मिल्क में होता है, तो 1 साल से पहले भी इसीलिए मना किया जाता है। कि इसके कुछ और भी रीज़न है कि मना किया जाता है, और एक रीज़न ये भी है कि बच्चों में जो आयरन बच्चों को चाहिए गाय के दूध में नहीं होता है, तो इसलिए 1 साल से एक पहले जो भी एनिमल मिल्क है वो बच्चों को इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। अगर किया जा रहा है तो उसके साथ आपको और उसको कुछ ऐसी डाइट देनी है जिससे जो उसकी जो आयरन नीड है वो पूरी हो जाए। और इसमें नेक्स्ट है कि बच्चे जो होते हैं ज़्यादा उनको कैल्शियम मिलने की वजह से, क्योंकि कैल्शियम क्या करता है ना कि जो हमारी बॉडी में जो आयरन है उसकी एब्जॉर्प्शन को डिस्टर्ब करता है, उसको इंटरफियर करता है उसमें हमारी बॉडी। अगर बच्चे जो है क्या करते हैं, कभी अपना मील स्किप कर देते हैं, सिर्फ दूध पी लेते हैं, तो ज़रूरत से ज़्यादा भी बच्चों को कैल्शियम नहीं देना चाहिए, उससे बच्चों की बॉडी में जो भी हम उनको आयरन दे रहे हैं उनकी डाइट के थ्रू उसका जो है एब्जॉर्प्शन उनकी बॉडी में सही से नहीं हो पाता है। जैसे 1 से 2 साल तक के जो बच्चे हैं उनको 20 आउंस से ज़्यादा दूध एक दिन में नहीं देना चाहिए। 20 आउंस जब जैसे गेस कर सकते हो, जैसे 1 आउंस जो है उसमें 30 ml होता है, और 20 आउंस मतलब 600 ml, तो 600 ml से ज़्यादा एक बच्चे को 1 से 2 साल तक इससे ज़्यादा दूध की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इससे ज़्यादा दूध पीने से या डेयरी प्रोडक्ट किसी के भी थ्रू उनके अंदर जो कैल्शियम जा रहा है वो अगर ज़्यादा हो जाएगा तो उससे उनकी बॉडी में आयरन की जो एब्जॉर्प्शन है वो पूरी तरह से नहीं हो पाएगी। और नेक्स्ट इसमें जैसे विटामिन सी की अगर कमी हो जाती है बॉडी में, तो जो हमारी बॉडी में जो आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर विटामिन सी की कमी होगी तो आप अगर बच्चों को कुछ भी देते रहेंगे, आयरन सप्लीमेंट भी दे रहे हैं या कुछ भी आयरन रिच डाइट भी बच्चों को दे रहे हैं, तो उनकी बॉडी में उनकी जो एब्जॉर्प्शन है वो सही से नहीं हो पाएगी, इसलिए भी बच्चों में जो है आयरन की कमी हो जाती है। और कुछ बच्चों में होता है जो जेनेटिक होता है, कि अगर आप देखोगे कि आपकी फैमिली में पहले से ही सबको जो है मतलब खून की कमी रही है या हीमोग्लोबिन किसी का कम रहा है
वो ऐसे ही चलता आ रहा है तब भी हो सकता है कि आपके बच्चे में ये प्रॉब्लम हो। तो अब बात करते हैं कुछ इसके सिम्टम्स। सिम्टम्स में मैं ये कहना चाहूँगी सबसे पहले कि अगर आप अपने बच्चों में ऐसे कुछ भी सिम्टम्स देख रहे हो तो आपको अपने बच्चे को कोई भी ओवर द काउंटर कुछ भी आयरन सप्लीमेंट से कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं देनी है। अगर ये सिम्टम्स आपको अपने बच्चे में दिखाई देते हैं तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है, क्योंकि जो डॉक्टर जो है उनके मतलब या तो ब्लड टेस्ट करते हैं वो, या हो सकता है फिजिकली भी जो है वो टेस्ट करते हैं बच्चे में खून की कमी है या नहीं, तो कितनी है और या कितनी है तो और उसको कब तक आयरन सप्लीमेंट्स देने हैं, तो ये जो है आपको डॉक्टर ही बताएंगे। इसीलिए अगर आप बच्चों में ये सिम्टम देख रहे हो तो डॉक्टर से कंसल्ट करके ही उसका कोई भी जो मेडिकेशन है या कोई भी ट्रीटमेंट है आपको उसके बाद ही करना है। अब इसमें सब सिम्टम्स में क्या है, सबसे पहले अगर आप बच्चों को देखोगे कि आपका बच्चा जो थोड़ा सुस्त है, मतलब थोड़ा डल रहता है, इतना लिथार्जिक रहता है, जितना उसको एक्टिव होना चाहिए उतना एक्टिव नहीं है उसकी एज के अकॉर्डिंग, या कुछ किसी भी चीज़ में वो इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, किसी भी गेम में किसी भी टॉय में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, या ज़्यादा थक जाता है और शाम को जो है बच्चों में क्या होता है पैरों में दर्द होने लगता है शाम के बाद, तब भी समझिए कि आपके बच्चे में जो है वो आयरन की कमी है। या कुछ बच्चों का जैसे जो बच्चों का जो कलर होता है वो थोड़ा पिंकिश या रेडिश टाइप का होता है, उनका स्किन कलर आप देखोगे, उनकी हथेलियाँ अगर आप देखोगे तो अगर वो आपको वाइट दिख रही हैं तो समझिए कि बच्चे में जो है खून की कमी है। और कुछ बच्चों में क्या होता है आंखों के नीचे काले घेरे हो जाते हैं, डार्क सर्कल हो जाते हैं, तब भी समझिए कि बच्चे में जो है वो खून की कमी है। या जो बच्चों को जो इन्फेक्शन है वो बहुत जल्दी जल्दी होने लगता है, कोई भी इन्फेक्शन उनको बहुत जल्दी से हो जाता है, उनको जल्दी जल्दी फीवर आने लगता है, तब भी समझिए कि उनको बच्चों को जो है खून की कमी है। या जो कुछ बच्चे जो हैं मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट जिसे कहते हैं, खाना पसंद नहीं करते हैं कि वो इधर उधर से कुछ भी और खाएंगे, जैसे जो आइस है कुछ बच्चे आइस खाना चाहते हैं, कुछ बच्चे जो है उनको मिट्टी खाने की आदत लग जाती है, या कुछ बच्चे जो है आप देखो कि दीवार से जो पेंट है वो खरोंच करके खाते हैं, या आप देखो कि आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा पसीना आ जाता है, बहुत जल्दी थक जाता है, थोड़ा मूडी है, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता है, तब भी बच्चे में खून की कमी है। या आप ये भी देख सकते हो कि बच्चे की जो टंग है वो आपको नॉर्मल से ज़्यादा रेड दिख रही है, या कभी होता है कि बच्चों के जो माउथ के साइड्स में क्रैक आने लगते हैं, तब भी समझिए कि बच्चे में जो है वो खून की कमी है। तो अब बात करते हैं कुछ ऐसे फूड आइटम्स जिसकी हेल्प से आप बच्चों में खून की कमी जो है वो पूरा कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले तो आपको ये देखना है कोई भी ब्राइट कलर्स होते हैं, जैसे रेड है, ग्रीन है, ग्रीन में कैप्सिकम है, ब्रोकली है, मटर है, पालक है, इनमें बहुत अच्छा जो है आयरन होता है, ये बच्चों के डाइट में इंक्लूड कीजिए। जैसे अनार है, सेब है, गाजर है और चुकंदर है और टमाटर है, ये इसमें भी जो है आयरन बहुत अच्छा होता है, ये भी बच्चों की डाइट में आपको इंक्लूड करना है। और जैसे आयरन के साथ साथ आयरन आपको विटामिन सी भी देना है, जिससे कि आप आयरन रिच डाइट तो बच्चों को दे रहे हो लेकिन फिर भी आपको लग रहा है उनकी बॉडी में जो आयरन की कमी है, तो आपको विटामिन सी भी साथ में देना है कि बच्चों की जो बॉडी में जो आयरन दे रहे हो वो ईजिली अब्जॉर्ब हो सके उनकी बॉडी में। और इसके साथ साथ आपको जो कैल्शियम का इनटेक है वो लिमिट करना है, जैसे कि मैंने बताया कि 1 से 2 साल तक के बच्चों को 20 ounces से ज़्यादा दूध, यानी कि 600 ml से ज़्यादा दूध एक दिन में नहीं देना चाहिए, तो क्योंकि जब ज़्यादा कैल्शियम हो जाएगा तो आयरन की अब्जॉर्प्शन जो है उनकी बॉडी में ठीक से नहीं हो पाएगी। और इसके साथ साथ जैसे जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए तो बहुत ऑप्शंस हैं आयरन के लिए, क्योंकि जो एनिमल से जो हमें आयरन मिलता है वो हमारी बॉडी जो है ईजिली ऑब्जर्व कर लेती है, लेकिन जो वेजिटेरियन है उनके लिए यही ऑप्शन है, जैसे केला है, केले में भी जो है बहुत अच्छा आयरन होता है, आलू है या स्वीट पोटैटो है, इनमें बहुत अच्छा आयरन होता है, तो ये बच्चों की डाइट में इंक्लूड कीजिए, आप अपनी डाइट में भी इंक्लूड कीजिए। और इसमें मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि जो जैसे प्रेगनेंसी में क्या होता है, हमें जो भी सप्लीमेंट दिए जाते हैं वो हमें डेली लेने चाहिए, जैसे कैल्शियम दिया जाता है, जिंक दिया जाता है और ये आयरन सप्लीमेंट जो हमें दिए जाते हैं वो हमें लेने चाहिए, क्योंकि कुछ लेडीज़ क्या कहती हैं ना कि हम इतनी अच्छी डाइट ले रहे हैं तो हमें इन सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप थ्रू आउट दी प्रेगनेंसी सप्लीमेंट लेंगे तो आप इसका इम्पैक्ट खुद पे भी देखेंगे, अपने बेबी पे भी देखेंगे, और डिलीवरी के बाद भी आपको 6 महीने तक आयरन सप्लीमेंट जो है वो लेने चाहिए, क्योंकि 6 महीने तक क्या होता है जो बेबी है वो कम्प्लीटली जो मदर फीड पर ही डिपेंड करता है, ब्रेस्ट मिल्क ही उसका जो है कम्प्लीट डाइट है, कम्प्लीट फूड है, तो आपको जो भी आप सप्लीमेंट्स ले रहे हो वो आपके ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू ही आपके बेबी तक जा रहे हैं, तो अगर आप ये आयरन सप्लीमेंट्स वगैरह जो भी आपको बोले जा रहे हैं लेने के लिए आपको वो लेने चाहिए थ्रू आउट दी प्रेगनेंसी भी और डिलीवरी के बाद 6 महीने तक तो एटलीस्ट लेना ही चाहिए, जब तक आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रहे हो, क्योंकि जो आयरन है वो बॉडी के साथ साथ ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है बच्चों में, इसलिए
बच्चों में हमेशा ये चीज़ें नोटिस कीजिए कि बच्चों में आयरन की कमी या खून की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है बच्चों की ग्रोथ जो है वो डिले होती है, बच्चे का जो माइंड है वो ब्रेन है जितना डेवलप नहीं हो पाता है उनकी एज के अकॉर्डिंग। तो आपको ये सब जो सिम्टम्स हैं आपको ध्यान में रखने चाहिए। अगर ये आप सिम्टम आप अपने बच्चे में देख रहे हो तो डॉक्टर की कंसल्टेशन के बाद ही उनको कोई मेडिसिन आपको देनी है या कोई भी आयरन सप्लीमेंट आपको ओवर द काउंटर बच्चों को नहीं देना है। सो होप ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा, इसे लाइक करके हमें एनकरेज जरूर करें और नीचे एक रेड बटन दिया है उसे प्रेस करके जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। थैंक यू।